बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। तो इसमें उसने ये कहा था कि कॉस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2 एक्स अंडर रूट का डेरिवेटिव लें। तो हमने इसको y के बराबर सपोज कर लिया, y इज इक्वल टू कॉस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2 एक्स अंडर रूट। और अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आप फार्मूले की तरफ आ जाएँ। तो याद है कि अगर y cos x के बराबर हो तो dy by dx किसके बराबर होता है, माइनस साइन x के। एक्चुअल जो पूरा प्रोसीजर है वो ये है कि cos x का हमने बकायदा प्रूव किया हुआ है कि cos x का डेरिवेटिव था माइनस साइन x। अब चूँकि यहाँ एंगल सिर्फ x है तो इसका सिर्फ x का डेरिवेटिव लिया जाए, यानी cos x का डेरिवेटिव लिया जाए, तो वो तो आएगा माइनस साइन x। यहाँ सिचुएशन ये है कि cos का जो एंगल है वो सिर्फ x नहीं है। तो फार्मूले की डेवलपमेंट जो होती है वो इस तरह होती है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं। एक्स का चूंकि 1 आता है इसलिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है माइनस साइन एक्स। एक्स का चूंकि डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हम 1 लगाते नहीं साथ, या मल्टीप्लाई कर भी दें तो ऑब्जॉर्व हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। कॉस 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2 एक्स अंडर रूट, और एंगल का डेरिवेटिव हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2 एक्स अंडर रूट। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव अंडर रूट ये है ना। अब आप सबने सीखा हुआ है कि पावर रूल क्या है, उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, 1/2 नीचे उतरेगा पावर रूल, एक्स की पावर में से एक कम होगा, यही है ना, क्या बन जाएगा 1/2 एक्स रेज टू पावर, इसका एलसीएम अगर लें तो वो आता है 1-2, वो बन जाएगा 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2, वो बन जाएगा 1/2 वन ओवर एक्स रेज पावर 1/2, वो बन जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। समझ आ गई कि नहीं आ गई, पावर आ गई ना, एक्स की पावर जब हमने 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो एलसीएम 2 आ गया, 1-2/2 बन गया, या बन गया -1/2। एक्स की पावर -1/2 है, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक हो गया। इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट एक्स। अब आपने हमेशा के लिए याद ये रखना है कि इस किस्म का जो चीज़ हो ना तो उसका आपने ये स्टेप्स ना करें। अगर आप फ़र्ज़ करें आपको अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेने के लिए कहा गया, फिर तो आप स्टेप्स कर लें, लेकिन आप क्वेश्चन कोई और कर रहे हैं उसके अंदर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ रहा है, तो फिर ये स्टेप्स ना करें। मिसाल के तौर पे मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सिर्फ ये करता हूँ कि मैं कहता हूँ जी कि वाई इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लें, तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और आगे डेरिवेटिव किसका लेना है, अंडर रूट एक्स। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना है कि आपने ये डायरेक्ट लगा देना है, ये डायरेक्ट, ये हमेशा के लिए याद रखें। अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट क्या होना है, 1/2 अंडर रूट एक्स। आपने एक दफ़ा प्रूव कर लिया, आपके सामने मौजूद है, अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट लिया, इन स्टेप्स से आता क्या है, 1/2 x। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि इसको यहाँ नहीं लिखना है, इसको पहले लिखना है। अगर आप इसको यहाँ लिखा रहने देंगे ना तो आप ही गलती से इस अंडर रूट एक्स को इसके साथ कैंसिल कर लेंगे, जो कि नहीं हो सकता, वो अंडर रूट के अंदर है, वो अंडर रूट से, वो एंगल के अंदर है, वो एंगल से बाहर है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, -1/2 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स, एंड डोंट कैंसिल दिस, ये एंगल के अंदर है ये वाला, और ये एंगल से बाहर, समझ आ गई। अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू ये है साइन x अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव है, तो क्या होगा, वो प्रोसीजर रहेगा, क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट साइन x, ये तो उसी तरह ही आएगा जैसे यहाँ मैंने लिखा ना, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/2 अंडर रूट एक्स,
यानी मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्स के अंडर रूट के अंदर जो कुछ होगा ना वो अंडर रूट का उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, साथ टू लग जाएगा अगर अंडर रूट है, अगर कुछ हो रहा है फिर नहीं। यानी इस वक्त साइन एक्स अंडर रूट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वन ओवर टू अंडर रूट साइन एक्स, यानी जो अंडर रूट के अंदर है पहले उसका रेसिप्रोकल करके टू से मल्टीप्लाई करा दे नीचे। अगला काम अभी एक रहता है, वो क्या है कि ये अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स का अंडर रूट का आपने डेरिवेटिव लेना है तो उसका फार्मूला हमेशा के लिए याद रखना। यानी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब कभी भी आपने डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ एक्स अंडर रूट तो क्या आ जाएगा, वन ओवर टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स और आगे क्या आएगा एफ डैश एक्स। यानी सबसे पहले जो फंक्शन अंडर रूट के अंदर है वो रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा अंडर रूट में ही और टू मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में और फिर उस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है एफ डैश एक्स। ये बात क्लियर होगी। विजिबल नहीं है तो मैं आपको इसको ज़रा, यानी ये फार्मूला मैंने लिखा है ये वाला डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स अंडर रूट किसके बराबर है वन ओवर टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स। ये समझ आई कि यानी अंडर रूट के अंदर जो एफ ऑफ एक्स है उसका रेसिप्रोकल और टू से मल्टीप्लाई साथ एफ डैश एक्स। कीप दिस थिंग दिस फार्मूला इन माइंड। इस फार्मूले के मुताबिक अब फंक्शन मेरे पास क्या है वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स, ये फंक्शन है अंडर रूट के अंदर है। इस फार्मूले को अगर मैं अप्लाई करूं तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, इसको मैं लिख देता हूं वन ओवर टू एफ ऑफ एक्स अंडर रूट इन टू। जी बताएं जी, यहाँ माइनस साइन वन प्लस एक्स और वन प्लस टू एक्स अंडर रूट, ये तो वैसे ही रहेगा। अगली बात आप मुझे बताएं, बताएं शाबाश, आगे आ जाएगा वन ओवर टू अंडर रूट ये सारा वन प्लस एक्स ओवर, आई समझ, आपको समझ आई। फंक्शन ये है वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है अंडर रूट के अंदर है, ये सारे का सारा रेसिप्रोकल में इस तरह आ जाएगा। अगला काम क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव लेना है, शाबाश, इसका दोबारा डेरिवेटिव, वो क्या था समझ आ गई सबको। अब आपने चीज़ों को ना इधर लेते होना साथ साथ, यानी इसको आप यूँ लिखें माइनस वन ओवर टू वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स अंडर रूट और साइन वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव किसका लेना है न्यूमिनेटर का, न्यूमिनेटर वन प्लस एक्स है, फिर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव किसका लेना है वन प्लस टू एक्स का। ये जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, आप इसका जो आंसर है डायरेक्टली लिख देते हैं, कीप न्यूमिनेटर एज इट इज एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ सॉरी कीप डिनोमिनेटर एज इट इज एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस कीप न्यूमिनेटर एज इट इज एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर एंड स्क्वायर ऑफ द, क्लियर, ठीक है। अब ये जो मैं ये स्टेप किया है ना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपने वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेना, आप सबको पता वन है तो आप वन लिखें, आपने वन प्लस टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है, वन का जीरो हो जाना टू एक्स का टू आ जाना, वो टू डायरेक्ट लिखें, पर ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। माइनस वन ओवर टू वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स अंडर रूट
साइन वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स, हाँ जी इधर आ जाएगा वन प्लस टू एक्स इंटू वन माइनस वन प्लस एक्स इंटू टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टू एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, अब ज़रा कैंसिल करें क्या बनेगा, इसके स्टेप्स जो हैं मैं ज़रा इस तरफ कर दूँ। ये सारा डाटा तो आपने लिख लिया, अनफॉर्चुनेटली बोर्ड बच्चों ने ख़राब कर दिया। देखें ज़रा, आपकी अपनी ही चीज़ होती है और आप इसे ख़राब कर देते हैं। ये जी किसके बराबर आएगा, माइनस वन ओवर टू वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स अंडर रूट साइन वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स अंडर रूट। जी बताइएगा ज़रा, वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स क्यों बेटा, ओवर वन प्लस टू एक्स का स्क्वायर तो क्या कटेगा, ये टू एक्स कट गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस वन आ गया। तो ये ज़रा देखिएगा, मैं इसको लिख लूँ माइनस वन ओवर टू, इसको मैं लिखता हूँ वन प्लस टू एक्स अंडर रूट ओवर वन प्लस एक्स अंडर रूट, कर सकता हूँ ना, ये पलट के ऊपर चला गया। अब इसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों किया, इधर आपके पास क्या आया माइनस वन ओवर वन प्लस टू एक्स की पावर टू, और वो साइन वाला सबसे आखिर में इसलिए लिखना है कि कहीं उसका एंगल किसी के साथ अब्जॉर्ब ना हो जाए, कट ना जाए, हो गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये ज़रा देखें, ये वन प्लस टू एक्स की पावर वन बाई टू है, ये क्या है टू, उसको मैं नीचे ले आऊँ पावर को, क्या लिखूँ वन ओवर टू वन प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस टू एक्स की पावर टू माइनस वन बाई टू, और वो जो साइन है वो तो रहेगा वैसे के वैसे। ठीक है जी, तो थ्री बाई टू बन जाएगा, शाबाश। वन ओवर टू वन प्लस एक्स अंडर रूट इंटू वन प्लस टू एक्स की पावर थ्री बाई टू और साइन वन प्लस एक्स ओवर, क्लियर, होपफुली आप सबको बात क्लियर होगी। और क्वेश्चन इसमें अगर आपको कोई स्टेप समझ आया हो, स्टेप समझ आ गए सारे, चलिए थैंक यू।